नमस्कार। डिवोशनल उत्तराखंड के नए एपिसोड में आज आपको ले चलते हैं माँ काली के दरबार में। पूरे भारत में सिद्धपीठ काली माता का मंदिर, जिसे कालीमठ कहा जाता है, बहुत ही विख्यात है। तो शुरू करते हैं हमारा आज का सफर। और ये है रुद्रप्रयाग, जहाँ पर अलकनंदा नदी और मंदाकिनी नदी का संगम होता है। बहुत ही सुंदर जगह ये भी। ये रास्ता है कह रहा अब मुझसे, मिलने को है कोई कहीं अब तुझसे, ये रास्ता है कह रहा। और ये केदारनाथ श्रृंखला के पहाड़ भी हम यहाँ से देख सकते हैं। केदारनाथ के बेहद करीब हम। दिल को है क्यों ये बेताबी, किससे मुलाकात होनी है, जिसका कब से अरमां था शायद वही बात होनी है। यूं ही चला चल रही, यूं ही चला चल रही, जीवन गाड़ी है समय पहिया, आंसू की नदियां भी हैं, खुशियों की बगियां भी हैं, रास्ता सब तेरा तक है भैया। यूं ही चला चल रही, यूं ही चला चल रही, कितनी हसीन है ये दुनिया, फूल सारे झमेले देख, फूलों के मेले बड़ी रंगीन है ये दुनिया। देखो जिधर भी इन राहों में रंग पिघलते हैं निगाहों में, ठंडी हवा है ठंडी छांव है, दूर वो जाने किसका गांव है, बादल ये कैसा छाया, दिल ये कहां ले आया, सपना ये क्या दिखलाया है मुझको, हर सपना सच लगे जो प्रेम अगन जले, जो राह तू चले अपने मन की, हर पल किसी से मोती ही तू चुने, जो तू सदा सुने अपने मन की। यूं ही चला चल रही, यूं ही चला चल रही, कितनी हसीन है ये दुनिया, फूल सारे झमेले देख, फूलों के मेले बड़ी रंगीन है ये दुनिया। शुक्रादि 88,000 ऋषि मुनि हुए, सारे देवता लोग रक्त बीज के भय से इस स्थान में आकर के माँ जगत जननी भगवती के शरणागत हो गए और इस स्थान में उन्होंने भगवती की उपासना करी। भगवती उनकी उपासना से प्रसन्न होती है और देवताओं के इस स्थान में आकाशवाणी होती है, ये देवताओं मैं तुम्हारे मनोरथ पूर्ण करूँगी, आप निर्भय रहिए, और मैं शीघ्र स्थान में अवतरित होकर के राक्षसों का वध करूँ। तदंतर भगवती जो है रक्त बीज वधे देवी चंडमुंडनाशनी रूपम देहि हम देहि यशोदे दुशोदे, भगवती ने अपना महाकाली का रूप रख करके इस स्थान में अवतरित होने के बाद रक्त बीज के साथ में घोर युद्ध होता है और
ऐसा घोर युद्ध होता है कि चारों तरफ रक्तबीज ही रक्तबीज हो जाते हैं। पर भगवती ने अपनी योग माया के द्वारा रक्तबीज का वध कर दिया, उसका स्रोत छेदन करके उत्तर दिशा में फेंक दिया और देवताओं को अभिष्ट वरदान दिया कि हे देवताओं, तुम्हारे मनोरथ पूर्ण हो गए। जब कभी तुम्हारे ऊपर संकट आएगा, इस स्थान में आकर के मेरा स्मरण करना, मैं तुम्हारी मनोवांछित कामना को पूर्ण करूंगी। ऐसा अभिष्ट वरदान देने के बाद भगवती महाकाली जो है इसी स्थान में अंतर्धान हो गई। इस सामने महाकाली का यंत्र है, इसके नीचे गर्भगृह है, वहीं भगवती सदैव विराजमान रहती है। स्कंद पुराण में इसका महात्म्य केदार मंडले दिव्य मंदाकिनी नाम प्रयत सरस्वत्यादय स्वामी काली तीर्थमति सुतम, ये केदारखंड में सर्वोपरि सिद्ध पीठ है और शिव शक्तिमय पीठ है, जिसको के आद्य जगत गुरु शंकराचार्य जी ने अपनी सुंदर लहरी नामक पुस्तक में इसका वर्णन किया। शिवा शक्तायोगति शक्तुम प्रभावित वाम देवो न खलु कुशलायुतमी हरिस्वामाराध्य हरिहर विरंचादिरभि तुम कथमकृतपुण्यप्रभवती। हे भगवती, तुम शिव शक्तिमय हो, तुम्हारा सौंदर्य और तुम्हारा जो वास्तविक स्वरूप है उसे आज तक कोई देख नहीं पाया। जगदम, मैं तो एक छोटा सा मूर्ख व्यक्ति आपकी क्या स्तुति कर सकता है, आप तो ओंकार शिव शक्ति स्वरूपा है, आप जगत के कल्याण करने वाली हैं, आप जगत के अधिष्ठात्री हैं। हे भगवती, आपके बारंबार प्रणाम। ऐसा स्थिति भगवान जगत गुरु शंकराचार्य जी यहाँ पर करके और केदारनाथ के लिए प्रस्थान करते हैं। वहाँ पर भगवान शंकर का पूजा अर्चन दर्शन करने के बाद उनका महाप्रयाण भी श्री केदारनाथ में ही होता है। तो इस प्रकार यहाँ पर महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, गौरी शंकर, सिद्धेश्वर महादेव, भैरवनाथ जी विद्यमान है। यहाँ पर तीन युग से प्रज्वलित अखंड भूमि है जिसमें नित्य हवन होता है और उसकी भस्मी धारण करने से सारे मनोरथ पूर्ण होते हैं। बाल ग्रह भूता नाम बाल नाम शांति कारक नाम, बच्चों को अगर भूत प्रेत बाधा लगती है इस भस्मी को लगाने से उनकी भूत बाधा का निवारण होता है और शिशु जो है वो स्वस्थ हो जाता है। ऐसा भगवती का यहाँ पर सिद्ध पीठ है। इस सिद्ध पीठ में भारतवर्ष के विभिन्न प्रांतों से श्रद्धालुगण बारह मास आते हैं, विदेशों से बारह मास आते हैं और यहाँ पर जो भी यात्री जो भी भक्त अपनी मनोकामना कामना करता है माँ उसके मनोरथ पूर्ण करती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। स्वयं भगवती के बोल हैं, यम यम चिंतते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम। इस स्थान में जो जैसी भावना से मेरा स्मरण करेगा मैं निश्चित रूप से उसको वैसे फल की प्राप्ति कराऊंगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। ये था सरस्वती नदी के किनारे सिद्धपीठ माँ काली का दरबार। आशा करते हैं कि हमारे साथ आपने इस सफ़र का आनंद लिया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।